मैम आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ okay. और 2 साल से मैं शेयर बाजार में हूँ. 2 साल मतलब कोविड टाइम से आपने भी शुरू करा? ऑलमोस्ट. क्या ट्रिगर बना? आप पहले से इंटरेस्टेड थे या घर पे कोई करता था? क्यों आए स्टॉक मार्केट में तुम्हें? नहीं सर, हस्बैंड करते थे थोड़ा बहुत. हाँ. बस उसी को फिर मैंने परस्यू किया आगे. हस्बैंड अभी भी आप अपना खुद का लक्ष्य कर रहे हो, खुद के स्टॉक चुनते हो? यस यस यस. और ये मैम ट्रेडिंग हो रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्ड पोर्टफोलियो जो आप लोग सजेस्ट करते हो? हाँ. मैं सुबह 7:15 मेरा टीवी ऑन हो जाता है और मैं आपके अकॉर्डिंग करती हूँ जो आप बताते हो. रितु मैम पहली क्वेरी कौन सी? रितु मैम सर मेरे दो गेस्ट तो काफी है बट KPIT और वोडाफोन. KPIT मेरे पास 720 शेयर है 630 के रेट पे. ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था रितु मैम या ट्रेडिंग वाला मन था? नहीं सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था. मतलब ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, शॉर्ट टर्म 6 to 1 year तक लिया था. बट ये मुझे बहुत टाइम, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट. 2 साल से रखा हुआ है, टाइम होराइजन था, ट्रेडिंग बेसिकली मन था. रितु मैम आपने कितने में बोला, कितने क्वांटिटी फिर से रिपीट करोगे आप? 720 है, 632 की 632 की खरीद. क्वांटिटी भी ज्यादा है 720 और ये चल रहा है 490 पे. हम लोग अभी अभी आईटी की चर्चा कर रहे थे रितु मैम, चलिए उसी पे सवाल भी आ गया. गौरांग सर इशू अब वो लार्ज कैप्स की तो बात हो गई, ठीक है एक्युमुलेशन. ये वो स्टॉक्स हैं जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने की जिनकी मैं बात कर रहा था. ये KPIT भी उसी कैटेगरी का है, 200-250 वाला 800 तक गया था. कोई टाटा एलेक्सी, कोई परसिस्टेंट सिस्टम, इन्होंने गजब कर दिया पिछले 2 सालों में. अब इन्होंने 632 पे खरीदा है, 490 पे 140 रुपए लॉस हो रहा है. क्या करूं मैं? और मेरी क्वांटिटी भी ज्यादा है, अब इससे ज्यादा एक्युमुलेट करूंगा अगर एवरेज करने के लिए तो बहुत ज्यादा ही एक्सपोजर हो जाएगा मेरा. क्या करूं अब इसमें? देखिए पहले तो रितु जी को ये कहूंगा मैं कि आप अगर छोटी मध्यम अवधि के लिए काम करते हैं तो आप अपना जो नुकसान भुगतने की क्षमता होती है वो ध्यान में रखें और उस तरीके से जब भी आपका वो ट्रिगर हो जाता है स्तर तो आपको कदम उठा करके जो भी करना है वो करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए या क्योंकि ताकि उसका आपका नुकसान ज्यादा ना हो. अब बुनियादी तर के आधार पर अभी अभी काफी विश्लेषण हम कर रहे थे रितु जी और मैं ये मानता हूँ के आईटी क्षेत्र जो करेक्शन हमने देखा है खास करके KPIT जैसे जो स्टॉक्स है जो मिड कैप स्मॉल कैप में गिनती होती है आईटी क्षेत्र में या फिर टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हैं कि आने वाले समय में जो एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है उनके में काम आ जाएगा. मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफोटेनमेंट वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है वो सब मुहैया कराती है KPIT टेक और टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियां. तो भले आपके पास संख्या ज्यादा है लेकिन अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एवरेज करें, चाहे 50, 100, 150 जो भी मतलब आपके पास निवेश लायक पूंजी हो लगती होगी. क्योंकि इस स्तर पर मैं निकलने की राय नहीं दूंगा. हमारा मानना है कि करीबन 800-850 के स्तर जो कि सर्वोच्च स्तर बने थे इस कंपनी के, ये फिर से आपको देखने मिलेंगे. समय लगेगा लेकिन अगर हो सके तो एवरेज कीजिए, बने रहिए मैम. KPIT में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कंपनी, इस समय वैल्यूएशन डीरेटिंग की मार झेल रही है. मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए मैम. जम्मू जा रहा हूं, जम्मू से सिमरन जुड़ चुकी है. सिमरन होपिंग आपके पास तक आवाज पहुंच रही है. पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल. सिमरन हाय, आप क्या करते हो सिमरन? आई एम अ होममेकर. और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? मेरे को एटलीस्ट 7 months हो गए. 7 months? तो आपने बड़ा टफ पीरियड देखा जब से आप बाजार में आए हो. इस साल ही मतलब लास्ट ईयर के फैग एंड में आए हो? ना, मेरा लॉस ही चल रहा है फिलहाल तो. सिमरन कैसे पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है? ट्रेडिंग वेडिंग के लिए उतरे हो आप लोग आप या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिकिंग कर रहे हो? और कैसे डिसाइड कर रहे हो स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म के लिए. और स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो? अपनी खुद की सेल्फ स्टडी? जी, और आपका चैनल तो है ही है सपोर्ट के लिए. सिमरन अभी इशू कौन से स्टॉक पे आ रहा है? मेरा आ रहा है सोलर इंडस्ट्री और आरके पोर्ट. सोलर इंडस्ट्रीज पहले लेते हैं. ये ऑलरेडी बॉट खरीद रखा है? जी, मैंने खरीद रखा है. ये 2812 पे खरीदा था मैंने. इस लॉजिक से लिया, ट्रेडिंग वाला मंथ था. ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है क्या? जी. ट्रैक कर दो गौरांग सर आप. और ये वैसे ये बाजार के मूव से अछूता है, कंसोलिडेशन में चला गया एकदम. ये कैसे अप्रोच करूं सोलर इंडस्ट्रीज को सर? ये डिफेंस एक्सप्लोसिव्स वगैरह का धंधा अट्रैक्टिव है कि नहीं है? मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है और ये पूरा सेक्टर अगर आप देखें आशीष तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और सरकार के तरफ से भी जो भी नीतियां बन रही हैं और जमीनी स्तर पर लागू हो रही है, जाहिर है आपको अगर आप नजरिया लंबी अवधि और ऐसे क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं सिमरन जी तो आपको जाहिर है कि नजरिया कम से कम 1-1.5 साल या फिर उससे लंबा हो सके तो अगर आप
उतना नजर रखते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आशीष, दिक्कत यह है कि छोटी मध्यम अवधि में कुछ शेयर चल जाते हैं और उसके बाद करेक्शन आ जाता है, लेकिन इनके जो निवेश का स्तर है और जहां पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। लंबी अवधि के लिए अगर आपने मन बनाया है तो मैं राय दूंगा कि आप बने रहें, और डिफेंस रिलेटेड जो बाकी अन्य कंपनियां हैं अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी, मिसाल के तौर पर भारत डायनामिक्स हो गया, आशीष जी को पता है हम काफी लंबे समय से भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BL जैसी क्षेत्र जो डिफेंस सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, हम राय देते हैं, तो नजरिया लंबी अवधि का रहे और बने रहे। कुल सिमरन, अगला स्टॉक कौन सा मेंशन कर रहे थे आप? मेरा आरके फॉर्म है, मैंने उसके 200 शेयर खरीदे थे लॉन्ग टर्म के लिए, 190 का लिया था उस टाइम। क्वांटिटी क्या है अपने पास? 14% परिवर्तन हो रहा है, और फोर्जिंग रिलेटेड जो एंसिलरीज कंपनियां होती है आशीष, उसको लेकर के भी हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। और ये भी ना भूलें कि बाजार में भी हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा, तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को कि अगर आपका निवेश अच्छे स्टॉक में है और बाजार में करेक्शन आया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपना निवेश निकल जाए उसमें से बेच करके, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। बाजार में करेक्शन आता है उसका मतलब जो भी स्टॉक्स है उसमें भी करेक्शन आता है, और जिस तरीके का करेक्शन हमने देखा, जाहिर है ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप सभी जगहों पर आपको प्रोडक्ट यू नो अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन आता हुआ देखा। कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज इनकी अच्छी है, और परिवर्तन जो इंडस्ट्रियल और ऑटो सेक्टर में हो रहा है उसका जो एक सकारात्मक का प्रभाव है वो इन सब कंपनियों पर पड़ेगा। तो सिमरन, दोनों सोलर इंडस्ट्रीज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स फंडामेंटली बढ़िया कंपनीज हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, होपिंग आपको बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट दोनों स्टॉक्स में मिलेंगे। रितु मैम, अगला स्टॉक कौन सा था? सर वोडाफोन आईडिया। अरे वोडाफोन आईडिया किस भाव पे लिया मैम? सर 1440। और ये क्यों लिया था हमने सर? ट्रेडिंग का मन था, बहुत ट्रेडिंग का ही मन था ऑब्वियसली। और आप ट्रेड जब करते हो स्टॉप लॉस ही लगाते क्या? नहीं सिर्फ रितु जी का नहीं, हम सब रिटेल का ये सवाल है, ये कब चलेगा? टेलीकॉम बहुत पिटा हुआ, छोटा सा साइज का स्टॉक, सब मानते डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, ये होके नहीं दे रहा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो पता नहीं आसमान छू लेता ये। यस बैंक के हम उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं वैसे। नहीं, आइडिया का व्यू क्या है? नहीं नहीं रितु जी, पहले तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पास जोखिम, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, वो पहले आप ध्यान में रखें। अगर आपने 14 रुपए के ऊपर लिया और दाम चल रहा है करीबन 8.65 रुपए के आसपास, तो आप प्रतिशत के हिसाब से देखें कितना बड़ा नुकसान है, और जब नुकसान इतना बड़ा हो जाता है तो रिकवरी उतनी ही मुश्किल हो जाती है रितु जी। तो पहले तो ऐसे सब स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि आप 2 साल से कामकाज कर रही हैं और आपको और भी तजुर्बा लेना है शेयर मार्केट का। अगर आपको जो तजुर्बा है, जो अनुभव है शेयर मार्केट का, वो गलत हो जाएगा तो आपका मन ही हट जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो आप ऐसी कुछ चीज मत करिए, ऐसे कुछ चौसौदे मत कीजिए जिससे आपको निराशा ही निराशा हाथ हो। पहले तो एज अ डिस्क्लोजर आशीष, वोडाफोन पर हमारी कवरेज थी, लेकिन जो भी पिछले 2-3 साल में हो रहा है वोडाफोन में उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी कवरेज ड्रॉप कर दी है, यानी कि कवरेज निकाल दी है। मैं इनको एक ही राय दूंगा कि जो भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां पर जो भी छोटा मोटा नुकसान होता है वो बांध करके निकल जाए। अगर टेलीकॉम क्षेत्र में ही करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो का कारोबार इनके पास है वो है। आज भारतीय एयरटेल कुछ 5-6% नीचे चल रहा है क्योंकि अडानी जी 5G में आ रहे हैं, तो उसके कारण एक मौका है वहां पर निवेश करने के लिए। अन्यथा अगर आपको ये सेक्टर में से निकल करके कोई दूसरे सेक्टर में निवेश करना है तो निजी सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी बैंक है, बहुत ही सक्षम और मजबूत बैंक, फेडरल बैंक, आप चाहें तो वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। पिक्स भी आ गया और बिल्कुल ठीक है। ऋतु मैम पढ़िएगा कभी इसके बारे में, किस तरह के मैसिव लॉसेस, किस तरह का बैलेंस शीट पे स्ट्रेस है और किस तरह की बहुत तगड़ी इक्विटी बेस है, इस स्टॉक के लिए बहुत दिक्कतें हैं। और हमने ट्रेडिंग का मन बनाया था मैम और फिर हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए स्टॉक में, कोई भी ऊपर उछाल आए निकलिए। और गौरांग सर ने कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स किए हैं, टेलीकॉम स्पेस पर रहना है तो, या कोई छोटे टिकट साइज का स्टॉक चाहिए तो, दोनों तरह की आपको ऑफरिंग्स बता दी गई हैं, चाहे तो उस क्वालिटी की तरफ मूव करें। और क्योंकि रिलायंस की बात चढ़ गई, प्लीज वो चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, आप में से कोई भी अगर इस तरह की ट्रेड इनिशिएट कर रहा है तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। ऋतु जी, सिमरन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, गौरांग सर थैंक यू।